गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज मैथ्स टू। ओके, तो उसमें अपन फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मीन्स क्या होता है? समानता। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिंबल्स। ये जो इस तरह का सिंबल है इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट इज ये ऐसे जो लाइंस दिख रहे हैं उसे बोला जाता है पैरेलल। ओके, नेक्स्ट इज इस तरह का जो सिंबल है उसे बोला जाता है कॉन्ग्रंट। नेक्स्ट इज सिमिलरिटी। देखियो इसे क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री एंगल्स। ओके, सेकेंड इज दिस इज द पैरेलल। दिस इज द पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ग्रंट। कॉन्ग्रंट मीन्स क्या होता है? इक्विवेलेंस ऑफ ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज। एंड नेक्स्ट इज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मीन्स सेम शेप्स नॉट सेम साइज। ओके, दिस इज द सिमिलरिटी। ये हो गया सिमिलरिटी का सिंबल्स। तो आज अपन इसमें सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5u। देखो बेस कितना है? 9, और हाइट कितनी है? 5u ट्रायंगल की। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल निकालेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया आपका, इसे बोला जाता है बेस। तो अपन यहाँ लेंगे b1 इज इक्वल टू कितना लेंगे? 9 है, और दिस इज द हाइट, इसे बोला जाता है हाइट। यानी यहाँ लेंगे h1 इज इक्वल टू कितना है अपना? 5u। बेस ऑफ अनादर ट्रायंगल इज 10। देखो नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, उसका बेस कितना है? 10। तो यहाँ लेंगे अपन b2 इज इक्वल टू 10 लेंगे। ओके, हाइट इज 6, तो इसकी हाइट कितनी है? 6। तो यहाँ लेंगे अपन h2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अपन यहाँ देंगे दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल इज a1 एंड द सेकंड इज ट्रायंगल इज a2। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसका क्या निकालना है? अपने को रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द बेस एंड हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल कितना है? b1 इज इक्वल टू 9 एंड h1 इज इक्वल टू 5u। ओके, एंड इसे क्या, ये कौन सा ट्रायंगल है? दिस इज द a1। a1 दिया अपन ने, इसको बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है अपना? दिस इज द a2। ओके, तो लेट द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ दिस ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। पहले क्या लिखा था? फर्स्ट ट्रायंगल, अब यहाँ लिखेंगे सेकेंड ट्रायंगल b2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? b2 कितना है अपना? 10। एंड h2 कितना है? 6। ओके, एंड दिस द a2 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अब क्या करना है? इसके नाम लिख लो हाइट्स। क्या दिया हुआ है? b1 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और इधर b2 दिया हुआ है 10। यहाँ पे a1 इज दिस इज द h1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5u, और h2 कितना दिया हुआ है? 6। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन,
देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू, ठीक है, बी वन मल्टीप्लाई एच वन अपॉन बी टू मल्टीप्लाई एच टू। अब वैल्यू पुट करो, बी वन कितना है अपना, बी वन है 9, ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5, एच वन कितना है 5, एंड देन बी टू इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई एच टू इज इक्वल टू 6, ठीक है, 9 5 45 एंड 10 6 60। आप अपने को रेशो निकालना है, तो देखो 45 कौन से टेबल में आ सकता है, 15 के टेबल में आता है, 15 3 45 एंड 15 4 60 आता है ना, 15 3 45 एंड 15 4 60, तो अपने को रेशो मिल गया 3/4। तो देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, द रेशो ऑफ द एरिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इज 3/4। ओके, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ट्रायंगल में ये दिया हुआ ए वन एंड दिस इज द ए टू, ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। तो इसको क्या किया मैंने, पहले वैल्यू लिखी, फिर ए वन अपॉन ए टू किया, तो बी वन मल्टीप्लाई एच वन अपॉन बी टू मल्टीप्लाई एच टू, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो 45/60। अपने को रेशो निकालना है, तो 45 ऐसा टेबल है जो टेबल्स में जा सकता है, तो 15 3 45 एंड 15 4 60, तो अपने को क्या रेशो मिल गया, 3/4। तो दिस इज द देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 3/4। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल इज 3/4। इस तरह से आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करनी है।